तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर ज्योति एंटरटेनमेंट। तो आज मैं आ गया हूं बाबा तराना रोड, जो कि है सोनीपत में। इसके अपोजिट है आपका ये सिटी मॉल, आप पीछे देखेंगे, और इसके ठीक अपोजिट जो है वो है ये द वॉश क्लब। तो ये है वॉश क्लब जहाँ पे आज मैं आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कपड़ों को वॉश किया जाता है, ड्राई क्लीन किया जाता है। यहाँ पे ड्राई क्लीन, स्टीम प्रेस और लॉन्ड्री, ये तीनों चीज़ है। आज मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ, आज आप देखेंगे। आपको सबसे मिलाऊंगा, यहाँ के ऑनर से मिलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस किस प्रोसेस से गुजरते हैं कपड़े और आप तक ड्राई क्लीन होकर साफ आते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करे बगैर हम अंदर चलते हैं द वॉश क्लब के, और फिर अंदर पता करते हैं कि कैसे कैसे जो कपड़े हैं प्रोसेस होते हैं, मशीनों से जाते हैं, स्टीम प्रेस होती है, स्टेन हटते हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और ऑनर से मिलते हैं। चलिए तो हम अंदर आ चुके हैं। आप जैसे ही अंदर आएंगे द वॉश क्लब के बहुत ही कूल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आप देखेंगे अगर आप अपने कोई भी कपड़े हैं अगर आप लाते हैं यहाँ पे ड्राई क्लीन के लिए, अगर आपको वेटिंग करना है उसके लिए सोफा भी उन्होंने दे रखा है, प्रोवाइड कर रखा है, तो आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से शांति से बैठ के आप अपने कपड़े आप दे सकते हैं। और आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हम रिसेप्शन पे आ गए हैं, तो हम रिसेप्शन पे मिलेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही रिसेप्शन पे आएंगे हमें मिलेंगे, आप नाम बताएंगे। शिव, शिव है ये, आपको रिसेप्शन में मिलेंगे। तो ये है हमारा द वॉश क्लब का मेनू, जिसको मैं आपको बीच में वीडियो में पूरा आपको रेट्स के साथ में आपको दे दूंगा, आपको मेंशन कर दूंगा। तो आपको एक दो बात और बतानी है मुझे, तो इनके जो रेट्स हैं बाकी मैंने चेक करा है बाहर मार्केट से और यहाँ से, तो बहुत ही इनके बहुत ही रीजनेबल रेट्स हैं। तो इसका जो भी रेट्स हैं सब आपको मैं वीडियो पे मेंशन कर दूंगा। रेट बहुत ज़्यादा रीजनेबल हैं। बाहर से अगर आपको लगेगा कि फाइव स्टार होटल जैसा इन्होंने वॉश क्लब अपना ड्राई क्लीनर्स ये इन्होंने शॉप्स बनाई हैं, बट लेकिन अंदर रेट्स इनके बहुत ही एवरेज और रीजनेबल रेट है। तो घबराइए मत, बाहर की इतना अच्छा बना हुआ है कि रेट्स अंदर महंगे होंगे, आप बिल्कुल अंदर आ सकते हैं, आप रेट चेक करेंगे, बहुत ही एवरेज और बहुत ही रीजनेबल रेट्स हैं। तो चलिए हम यहाँ अंदर आते हैं, यहाँ आपको मिस्टर शिव मिलेंगे अंदर, ये आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। ये आपको कोई भी चीज़ आपको इनसे पता करनी है आप इनसे पता कर सकते हैं। बाकी द वॉश क्लब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और बीच वीडियो में भी मैं आपको इनका कार्ड डाल दूंगा। तो चलिए यहाँ आते हैं और हम मिलते हैं यहाँ के ऑनर से। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, आपका नाम जान सकता हूँ? ये ऑनर है विवेक अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको द वॉश क्लब के लिए। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे आपका, देखा हम, बहुत ही हमें अच्छा लगा अंदर जाके, बहुत ही ब्राइट है और कितने नीट एंड क्लीन। मैं जैसे ही यहाँ से गया तो मैंने देखा अंदर कि बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही साफ सफाई के साथ आपने पूरे अच्छे तरीके से कपड़ों का ध्यान रखा और बहुत ही अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन आपने एनवायरनमेंट रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा हमें इस बारे में बताएं अपने वॉश क्लब में, तो कुछ बताना चाहें आप, पहले कुछ जितना बताना चाहते हैं वो बताइए, उसके बाद आप हमें अंदर लेके जाइए और हमें दिखाइए कि अंदर कैसे कपड़े प्रोसेस होते हैं। सो वॉश क्लब एक प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग स्टोर है। सो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड वॉश क्लब ये है कि जो हमारे ट्रेडिशनल ड्राई क्लीनर्स होते हैं वो लोग जो कपड़े आप लोग ड्राई क्लीन के लिए लॉन्ड्री के लिए देते हैं वो कहीं प्लांट में भेजते हैं अपने स्टोर से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर, और उस फैक्ट्री में एक ड्राई क्लीनर नहीं 10 ड्राई क्लीनर्स के कपड़े आ रहे होते हैं, होटल्स के कपड़े आ रहे होते हैं, वहीं पर हॉस्पिटल्स के कपड़े आ रहे होते हैं, और कस्टमर्स बस एक गुड फेथ पे कपड़ा देता है कि भाई हम इनसे 20 साल से जुड़े हुए तो हम इनसे कपड़े करा रहे हैं अपने ड्राई क्लीन। अब वो ड्राई क्लीन में क्या कर रहा है, क्या केमिकल्स यूज़ कर रहा है, क्या उसने वहाँ फैसिलिटी क्रिएट कर रखा है, वो कस्टमर को नहीं पता है। कस्टमर तो जो ये लाइव लॉन्ड्री का कॉन्सेप्ट है ये बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो आप दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर जैसे शहर में देख सकते हैं। तो अब ये टायर टू सिटीज़ जो है जैसे सोनीपत, पानीपत, रोहतक, ऐसे सिटीज़ में इन फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराने की हमारी ऐसी कोशिश है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कस्टमर्स हैं जो हमसे जुड़े हैं और वो हमें बताते हैं कि वो स्पेशली दिल्ली जाते थे 50 किलोमीटर दूर और अपने कपड़े किसी अच्छे ड्राई क्लीनर्स को देते थे क्योंकि उन्हें वो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलती थी। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, हमारे यहाँ जो भी कपड़े आते हैं वो कपड़े सारे हमारे यहीं पर प्रोसेस होते हैं, सारी इम्पोर्टेड मशीनरीज है हमारे पास, स्पेशल केमिकल्स हैं ड्राई क्लीनिंग केमिकल्स। तो जो भी प्रोसेसिंग होती है, अगर वो सिल्क है, वोलन कपड़े हैं, लेदर के कपड़े हैं, कोई स्पेसिफिक स्टेन है कपड़ों में, वो सब कुछ यहीं पर प्रोसेस होते हैं, कहीं यहाँ से बाहर नहीं जाते कपड़े। तो इससे दो चीज़ों की सुविधा मिलती है, पहला तो ये कि आपको एक ट्रस्ट है कि भाई कपड़े यहीं के यहीं हैं और जो एक प्रोसेसिंग है वो क्लियर तरीके से हो रही है। दूसरी जो सबसे मेन फैसिलिटी मिलती है, आपको एक्सप्रेस सर्विस मिल सकती है।
अगर आपको एक शर्ट ड्राई क्लीन करानी है और आप हमें सुबह देते हो और आपको शाम को चाहिए, तो हम आपको शाम को दे सकते हैं, क्योंकि हमारा वो जो टाइम गैप है कि मुझे फैक्ट्री भेजना है कपड़े, वहाँ पे कोई प्रोसेस करेगा, फिर फैक्ट्री से गाड़ी से कपड़े आएंगे, वो टाइम बच जाता है। आप कपड़े यहाँ पे दीजिए, प्रोसेस होंगे, शाम को आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा और आप अपने कपड़े आने देंगे। तो गाइज ये देखिए कि यहाँ पे आप व्हाट्सएप फैसिलिटी भी आ गई है, सब लोग आगे इम्प्रूव जा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू सब चीज़ें हो रही हैं, आजकल लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन का सब फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, तो ये लोग भी ऐसे ही करते हैं। आपसे कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, जैसे ही आपका रेडी हो जाता है प्रोडक्ट, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, आप इमीडिएटली आके यहाँ से पिक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने बिल्कुल शीशा बिल्कुल ओपन, आप इसमें कोई छुपाने का कोई काम नहीं, ओपनली ये सब चीज़ करते हैं, वॉशिंग एरिया कहाँ से पहुँचते हैं सब कुछ खुलेआम है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो बाकी ड्राई क्लीनर्स में क्या है, वो लोग पीछे से क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो हमें पता नहीं होता, तो यहाँ बिल्कुल आपके शीशे की तरह बिल्कुल साफ है, आप आर पार सब कुछ देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी एक वैसा फेक वाला कोई काम नहीं है, आपके सब सामने है। और सबसे अच्छी चीज़ है इनका नीट एंड क्लीन है, इतना एनवायरनमेंट है, आप साफ सफाई सबसे नंबर वन चीज़ होती है साफ सफाई। मैं कहीं पे भी गया हूँ ड्राई क्लीनर्स की शॉप पे, तो वहाँ पे नीट एंड क्लीन मुझे कहीं देखने के लिए मिली है, कहीं कुछ सब जगह। यहाँ पे आप देखिए टेलीविजन लगा रखा है इन्होंने, यहाँ आप टेलीविजन देख सकते हैं, और मतलब आप नीचे देखिए फ्लोरिंग हर जगह बिल्कुल साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। तो चलिए मैं ऑनर से रिक्वेस्ट करूंगा अंदर मुझे ले जाएं, और अंदर कैसे कैसे प्रोसेस होता है ड्राई क्लीनिंग, कैसे कैसे स्टीम होता है, पैकेजिंग होती है, तो मैं उनसे देखूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे दिखाएंगे। तो चले अंदर, चलिए आइए। तो प्रोसेस नंबर वन, आप प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस क्या है आप देखेंगे। सो फर्स्ट प्रोसेस, सबसे पहले तो जब कपड़े हमारे पास आते हैं उनकी प्रॉपर बिलिंग होती है, एक एक कपड़े पे टैग लगाए जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके के टैग होते हैं ये। तो कस्टमर का नाम, ऑर्डर नंबर, कपड़ा ड्राई क्लीन का है, लॉन्ड्री का है, कितने कपड़े इस कस्टमर ने दिए हैं, कब की कस्टमर की ड्यू डेट है, वो सब कुछ इस टैग पे मेंशन रहता है। तो वो सिस्टम नहीं है कि बस एक पर्ची पे ऑर्डर नंबर लिख दिया फिर पता ही नहीं है कि कब का डेट है। ओके, तो सब कपड़ों में सब चीज़ टैग में मेंशन होता है, तो इससे कोई कंफ्यूजन का कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, आपका जो प्रोडक्ट आपने दिया एग्जैक्टली काउंटिंग सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर होता है, तो इसमें कोई ना कस्टमर की तरफ से ना ऑनर की तरफ से कोई कंफ्यूजन रहती है। तो अगर हमने किसी कस्टमर को डेट दे दी कि आपके कपड़े 25th को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 25th का 26th होगा, आपको 110% 25th को वो कपड़े मिल जाएंगे। जस्ट इन केस अगर वेदर ख़राब है या कुछ और प्रॉब्लम है तो हो सकता है, हमारे तरफ से प्रोसेस में कोई डिले नहीं होता। और जब कपड़े आते हैं वो यहाँ पे रखे जाते हैं, हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पे ये कपड़े को चेक करते हैं क्या मटेरियल है, क्या स्टेन्स है, कुछ डैमेज तो नहीं है कपड़ों में, और उसके बाद वो कपड़े अकॉर्डिंग टू उनका जो मटेरियल है उनको प्रोसेस में डाला जाता है। अगर कपड़े डायरेक्टली मशीन में जाने के लायक है तो उनको डायरेक्टली मशीन में डाला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्वेटर दिया तो हमारे मशीन्स में प्रोग्राम बने हुए हैं, प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स है और डोजिंग पम्प्स है, तो इनमें स्वेटर्स के प्रोग्राम होते हैं, मुझे बस कुछ नहीं करना है, स्वेटर डालना है और स्वेटर का जो प्रोग्राम है वो चलाना है। मशीन ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक मशीन है, कौन से केमिकल्स उठाने हैं, क्या शाइनिंग देनी है, कितनी कंडीशनिंग देनी है कपड़े को, वो मशीन का काम है करना ऑटोमेटिकली। अगर आपके किसी कपड़े में कोई स्पेसिफिक दाग है, सपोज चाय का स्टेन है, तो वो जाता है यहाँ से हमारे स्पॉटिंग टेबल पे। स्पॉटिंग टेबल पे। तो आप ये देखिए कितनी अच्छी हाईटेक मशीन्स है, सब इम्पोर्टेंट मशीन्स हैं, देखो कितना नीट एंड क्लीन बिल्कुल वॉश होता है। आप देखिए इसमें प्रोग्रामिंग होती है, पूरा टच सेंसर टच पैनल है इसमें, आपको जो भी आपका स्वेटर है मतलब विंटर से रिलेटेड या कोई भी क्लॉथ से रिलेटेड इसमें सब प्रोग्रामिंग करी हुई है। आपको सिंपली उस चार्ट पे जाना है, मेनू में जाना है, जो भी आपने प्रोडक्ट इसके अंदर है आपको टैप करना है, वो उसके अकॉर्डिंग डिटर्जेंट कितने फोर्स पे उसको वॉश करना है, सब चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो इसमें इतना कोई झंझट नहीं। बट लेकिन देखिए कितने बड़े बड़े वॉशिंग मशीन्स लगा रखे हैं, तो इनमें सब वॉश होता है। अब हम स्पॉट स्टेन्स, कौन सा आपने बताया, स्पॉटिंग, आइए। स्पॉटिंग एरिया हम लोगों का, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई अगर स्पेसिफिक स्टेन होता है किसी कपड़े में, चाय का दाग है, इंक का निशान है, तो उसके लिए स्पेशल केमिकल्स होते हैं। सबसे बड़ी जो मिथ कस्टमर्स के दिमाग में होती है कि हमारे कपड़े पेट्रोल से वॉश करे जाएंगे, पेट्रोल से प्रोसेस होंगे, कोई भी ड्राई क्लीनर पेट्रोल से प्रोसेस नहीं करता है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक
मटेरियल ऑफ क्लोथ्स होते हैं जिनको पेट्रोल से या MTO जो बोलते हैं उससे प्रोसेस करा जाता है, नहीं तो पेट्रोल से नहीं प्रोसेस होता है। ड्राई क्लीनिंग में पानी और केमिकल का यूज़ होता है, हाँ सर्फ नहीं होता लेकिन स्पेशलाइज्ड केमिकल्स होते हैं। जैसे कि आप ये देखिए हमारे पास इम्पोर्टेड केमिकल्स है, ये केमिकल है क्विकॉन, ये स्पेसिफिक इंक स्टेन्स के लिए है। तो अगर कोई इंक स्टेन वाला कपड़ा है तो वो इससे प्रोसेस होता है। ये वाला केमिकल है कलर सॉल्व, जो भी डर्ट के निशान होते हैं, चाय के निशान है, उसके लिए ये केमिकल है। और ऐसी अलग अलग, ये खून के निशान के लिए है ब्यूकॉन। तो इनमें सब में अलग अलग केमिकल्स है, उससे प्रोसेस करा जाता है। किस कपड़े को गर्म पानी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, वो सब कंट्रोल में रखा जाता है यहाँ पे, जो कि घर में करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो उसको यहाँ से प्रोसेस करने के बाद वो कपड़े मशीन में जाते हैं, फिर वही मशीन का अपना प्रोसेस चलता है, हम वहाँ पे चलते हैं। तो ये बेसिकली जो स्टेन्स होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, जिनको आप ऑटोमेटिकली मशीन के थ्रू नहीं, जो मैनुअली ही निकल सकते हैं। तो सबकी अलग अलग बॉटल्स हैं, जैसे ये ब्लू है तो अगर इंक है तो आपको इंक स्टेन इससे रिमूव होगा, कलर है तो कलर के लिए ये है तो आप कलर रिमूव करने के लिए, और ये ब्लड स्टेन्स के लिए, अगर ब्लड है तो बहुत निकलना मुश्किल होता है, एक बार ब्लड अगर कपड़ों में लग जाता है तो उसके स्टेन्स रिमूव करने के लिए। उसी तरह ये अलग अलग तरीके के हैं जिससे स्टेन रिमूव करते हैं। तो ये रस्ट, अगर जंग वगैरह लग जाए आपके कपड़ों में तो ये रस्ट स्टेन रिमूव करने के लिए ये वाला रिमूवर है, जिससे आपके ये केमिकल्स, ऐसा नहीं है कि हमने खरीद लिया और हम लोग घर पे प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो एक्टिवेशन होती है वो नॉर्मल पानी में या अलग हर कपड़े में आप नहीं लगा सकते। हो सकता है आपका कपड़ा फेड हो जाएगा, या फिर उसमें ये केमिकल हार्ड केमिकल है, इससे आपके कपड़े में छेद भी हो सकते हैं। तो वो जो यहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं, हमें पता है कौन सा कपड़ा कितना केमिकल झेल सकता है, उसको उसी हिसाब से प्रोसेस करा जाता है। तो आपने देखा जैसे इन्होंने बोला कि ये सबके बस की काम नहीं है कि कोई भी उठा के डाल दें, इसमें प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कितनी मात्रा पे आप इसको यूज़ करें, नहीं तो आपका कपड़ा एक बार अगर डैमेज हो गया तो कस्टमर फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये ऐसे ही उठा के कोई भी, नोबडी कैन यूज़ इट, इसके लिए प्रोफेशनलिज्म इज़ वेरी मैंडेटरी। तो चलिए हम आगे चलते हैं, फिर देखते हैं इसके बाद फिर हम क्या करेंगे। आगे चलिए प्लीज। यहाँ से कपड़े, आपने ड्राई का नहीं बताया एक बार, प्रोसेस हो जाते हैं, उसके बाद कपड़े जाते हैं ड्रायर मशीन में। तो ये गैस सिलेंडर वाले ड्रायर से, इसके अंदर हीटिंग टेक्नोलॉजी होती है, तो जिस कपड़े को जितना टेम्परेचर देना है, हर कपड़े को सेम टेम्परेचर पे नहीं ड्राई कर सकते। अगर टाल है तो उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस चाहिए होती है, अगर उसे 100% ड्राई कर देंगे तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, तो उसे 80% ड्राई करा जाता है। तो उस हिसाब से प्रोग्रामिंग करके हम लोग कंप्लीट ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करने के बाद कपड़े आते हैं, तो ये आप देखेंगे यहाँ से वॉश होते हैं कपड़े, उसके बाद ये ड्रायर है, इतने बड़े बड़े ड्रायर, ये भी ड्रायर है, ये भी ड्रायर है, ये देखिए इतना बड़े बड़े ड्रायर्स हैं। तो हमारे टाइम में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे टाइम में तो ये सब देखने को ही नहीं मिलता था। बताओ आजकल इतना एडवांस जमाना हो गया, इतना ऑटोमेटिक, ये तो मैं आपको बोलूं मैंने दिल्ली में भी ऐसी चीज़ नहीं देखी है। वाकई इसमें मैं बिल्कुल बोलूंगा कि दिल्ली में भी मैंने ऐसा नहीं देखा, जबकि मैं भी दिल्ली में ही रहता था, तो अब मैं सोनीपत आ गया हूं। तो ये इतना हाईटेक, इतना मशीन्स, ड्रायर्स में देख के मैं भी बहुत सरप्राइज हूं। तो मैं भी कहता हूं कि आप लोग इधर उधर ऐसे कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे लोकल किसी ड्राई क्लीनर्स के पास मत जाइए। ये बहुत ही शानदार वॉश क्लब के नाम से है, आपको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एड्रेस दे दूंगा, आपको रेट्स भी दे दूंगा, आप घर बैठे इसके रेट्स आप देख सकते हैं और कंपैरिजन कर लेना आप कि उनके रेट्स और इनके रेट्स में क्या फर्क है। लेकिन यहाँ पे जो आपको काम मिलेगा, तसल्ली जो आपको होगी, वो नेक्स्ट टू आपके सोच के, तो आप एक बार जरूर यहाँ पे आए, ट्राई जरूर कीजिए, मेरे कहने पे आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो बेशक मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरे कहने पे जरूर आइए, एक विजिट जरूर दीजिए। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे ड्राई होते हैं कपड़े, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ड्राई होने के बाद जो प्रोसेस है वो है प्रेसिंग का। तो नॉर्मली नॉर्मल प्रेस हम लोग घर पे करते हैं, नहीं तो आप किसी बाहर रोड साइड जो बैठे होते हैं उनसे करवाते हैं, वो कोयले वाली प्रेस कराते हैं। यहाँ पे जो भी कपड़े आते हैं सारे प्रीमियम कपड़े आते हैं। तो ये स्टीम प्रेस होती है, तो ये स्टीम प्रेस करती है कपड़ों में, स्टीम से कपड़े प्रेस होते हैं। तो ये स्टीम प्रेस है, हमारा भी कुछ गारमेंट्स का काम था तो हमने भी ये स्टीम प्रेस हमने भी यूज़ करी थी। इसमें आपका पानी डलता है, पानी डलता है, कितने लीटर्स का है ये? अच्छा ये मैक्सिमम लीटर्स का, ओके। तो इसमें पानी डलता है, इस पे स्टीम क्रिएट होती है और आप इसको यूज़ करके इसमें से स्टीम निकलती है। तो हाँ आई गेस, हाँ ये यही वाला होगा। तो इसमें स्टीम निकलती है, तो इसकी जो प्रेसिंग होती है, इसकी जो क्रीज बनती है, देखिए ओके,
सक कर लेता है। अच्छा, उसके बाद आप स्टीम करते हैं। तो आप यहाँ से दिखाइए कैमरामैन, तो ये क्या है, ये बेसिकली ये नीचे ये जो ब्लूब आ रही है वैक्यूम है, आप जैसे इसको प्रेस करेंगे ये कपड़े को सक कर लेता है नीचे, तो ये उड़ता नहीं है हवा में। देखो ये सक कर लेता है, सक कर लिया, अब आराम से आप स्टीम प्रेस इस पे लगा सकते हो। और इसकी स्टीम प्रेस अभी इन्होंने भैया ने अभी मुझे दिखाया करके सामने लाइव डेमो, तो एक प्रेस में देखो आप कितनी फाइन प्रेस हुई है, ऐसी प्रेस आप कर भी नहीं सकते। वो जो बाहर जो प्रेस वाला है कोयले वाला, वो आपकी पेंट इधर उधर से भी जला सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, कोई ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्टीम से आपका बिल्कुल प्रेस करके देते हैं। इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, इसके बाद पैकिंग स्टेज है, पैकिंग। तो फाइनली हमारा वॉश हो गया, स्टेन्स हट गए, ड्राई हो गया, स्टीम हो गई, अब हम जाएंगे पैकिंग काउंटर पे। ये पैकिंग काउंटर है हम लोगों का, यहाँ पर जैसे हम लोग शूज भी प्रोसेस करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये किसी कस्टमर के शूज है हमारे पास, तो ये मैंने पहली बार देखा है कि शूज भी ड्राई क्लीन हो जाते हैं, ये मुझे पता नहीं था। यहाँ पे जब अभी मैंने इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने, मैं नीचे शूज पड़े हुए थे तब इन्होंने खुद ही बोला कि यहाँ शूज भी होते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है कि यहाँ पे आपके शू भी ड्राई क्लीन होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत यूनिक चीज़ है, मुझे तो शायद ही पता था, यहाँ पे ही मुझे पता चला कि शू भी ड्राई क्लीन होते हैं। तो चलिए आप देखते हैं। इसके बाद एक मशीन ये है हमारे पास, ये भी इटली से इम्पोर्टेड मशीन है, ये मुझे हरियाणा में तो फॉर श्योर किसी के पास नहीं है, पूरे इंडिया में भी 8-10 मशीन से ज़्यादा नहीं होगी ये। ये वैक्यूम मशीन है, तो जो ये ब्लैंकेट्स है, ये ब्लैंकेट आप देखेंगे, ये एयर पूरा रिमूव करके इसको बिल्कुल वैक्यूम कर देता है। तो लोगों के घर में 5-6 ब्लैंकेट्स होते हैं, विंटर्स ख़त्म हो जाने के बाद उनको रखने की समस्या होती है, तो ये बिल्कुल इसको प्रोसेस करके हम लोग वैक्यूम करके दे देते हैं। आप पूरे साल इसको ऐसे रखिए, आपका स्पेस सेविंग होता है, सबसे मेन जो कंसर्न है कि स्पेस सेविंग होता है। दूसरा, हमारे पास वैक्यूम के बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फॉरेन पढ़ने जाते हैं या घूमने जाते हैं, उनके पास स्पेस का क्रंच रहता है, तो वो हमारे पास अपने कपड़े ब्लैंकेट्स वो सब लेके आते हैं, हम लोग वो भी वैक्यूम करके दे देते हैं ताकि उनके सूटकेस में आराम से वो कपड़े आ सके और जो एक्स्ट्रा सामान है वो भी वो डाल सके। और जो, तो बेसिकली ये मशीन है खाली वैक्यूम वैक्यूम के लिए। ओके फाइन, तो आप देखिए कैमरामैन पास में आइए आप एक बार, तो देखिए ये वैक्यूम मशीन है, इसमें पैकिंग, जैसे ही पैकेट के अंदर ये प्रोडक्ट घुस जाता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी होके, तो इसके अंदर से जो हवा है वो सक करके निकाल लेता है। तो इसमें आपका कोई ऐसा कोई स्पेस नहीं बचता कि धूल मिट्टी से आपका डस्ट ही हो जाए, ये हो जाए। आप इसको अभी करके आप नेक्स्ट विंटर पे यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे इट इज़ फ्रेश आपको मिलेगा। तो पैकिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त पैकिंग करते हैं, लेकिन बाहर ड्राई क्लीनर्स उनके पास ये मशीन्स कहाँ से होगी, ये काफ़ी कॉस्टली मशीन्स हैं, तो जैसा इसका प्राइस है मशीन का उस हिसाब से ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, आपको वही पे करना है ड्राई क्लीन का, जो भैया का जो रेट्स हैं वो मैं आपको डाल दूंगा, बाकी आपको सब ये हाई 5-स्टार बिल्कुल आपको काम होके फिनिशिंग मिलेगी आपको। तो आप देख सकते हैं कितनी फाइन फिनिशिंग है, शूज़ की भी इवन इन्होंने देखो कैसे पैकिंग करी है, देख रहे हैं आप, तो कितना बढ़िया पैकिंग है। ये टी शर्ट है, ये नहीं है ये ड्राई क्लीन, अरे देखिए अभी इन्होंने मुझे दी है, ये कह रहे हैं कि ये ड्राई क्लीन होकर आई है, मुझे तो लगा ये शॉप में किसी ने सेल के लिए इन्होंने लगा रखी है, बिल्कुल ब्रांड देखिए, इन्होंने अपना टैग भी लगा रखा है, देखिए कितना बढ़िया है, उसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, टैग भी है, तो कितनी बेहतरीन इन्होंने ड्राई क्लीन करी है। पीछे भी देखिए, जर्म फ्री, ऑडर फ्री, सैनिटाइज, प्रीमियम कॉटन किया, तो देखिए कितने साफ तरीके से, मुझे तो लगा कि ये बेचने के लिए सेल करने के लिए लगाई है, बट मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि इन्होंने बोला कि ये ड्राई क्लीन करके मिली है। तो आपको ऐसी फिनिशिंग कहाँ मिलेगी, कोई आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, रेट्स वही है जो आप अपने अगल बगल के ड्राई क्लीनर्स को ढूंढ के देते हैं, उनको कोई नॉलेज दी, और यहाँ देखिए रेट्स बिल्कुल वही है। आप एक बार जरूर आइए यहाँ पे, आगे देखते हैं आप। ओके, अरे वाह, पैकिंग हमारी है और जो भी इसमें, वेबसाइट भी है हमारी, तो भैया की वेबसाइट भी है www.washclub.in, तो आप इसको वेबसाइट में भी आप चेकआउट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल्स आपको वहां पे भी मिलेंगी। बाकी देखिए कितना नीट एंड क्लीन इन्होंने रखा हुआ है, बिल्कुल डस्ट नहीं लगेगा इसमें, आप रास्ते में पैदल लेके जाए, जैसे भी ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। तो बहुत ही देखिए यहाँ से पूरा दिखाइए काउंटर, ऐसे लग रहा है मुझे जैसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जैसे ये शॉप्स में जैसे सीपी जाते हैं कनॉट प्लेस, वहाँ पे आप शोरूम में जाते हो सूट्स के, रेमंड्स के, कहीं पे भी जाते हैं ऐसे ही हैंग होते हैं, मुझे तो लगा ये सारे नए, इन्होंने बोला कि नहीं ये तो ड्राई क्लीन है। तो आप देखिए, जब मुझे ही नहीं पता चल रहा तो आपको कैसे पता चलेगा, आप दोगे पुरानी चीज़ आपको मिलेगी नई चीज़, आप सोचोगे अरे यार ये मेरा है कि नया है, तो ऐसे आप सरप्राइज हो जाएंगे। फाइनली बस यहाँ पे हम एंड करते हैं, ये सब मशीन्स क्या है,
पैकिंग की मशीन है। ओके, तो ये जो पैकिंग हो रही है ये सारी इसी मशीन से हो रही है, तो ये पैकिंग मशीन है, तो ये सब चीज के लिए ये इसी से ही पैकिंग होती है सर। ओके, हैंगर वाली सारी पैकिंग इससे होती है, फोल्डिंग वाली सारी मैनुअल पैकिंग है, और वैक्यूम पैकिंग के लिए वो मशीन है हमारे पास। तो चलिए ठीक है, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं एक और बार आपका धन्यवाद करूंगा। हाँ जी बिल्कुल, जो पूरे सोनीपत में आई डोंट थिंक कोई ड्राई क्लीनर देता है कि नहीं, वो है पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस। तो हम लोग फ्री पिकअप एंड ड्रॉप देते हैं विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ आर रेडियस, 500 से ऊपर का ऑर्डर होना चाहिए, और जो हमारे मोस्टली कपड़े हमारे पास पिकअप ड्रॉप से ही आते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को आजकल टाइम नहीं होता, सब वर्किंग प्रोफेशन में होते हैं, टाइम नहीं होता कि ड्राई क्लीनर के पास आए, कपड़े दे, फिर वापस रिसीव करने आए, और गाड़ी से आना पड़ता है, गाड़ी से जाना पड़ता है, भारी भारी लहंगे आप पैदल नहीं लेके जा सकते, हमारे पास अपनी व्हीकल है, हम आपके कपड़े लेकर आएंगे, आपको बिल बनेगा, आपका बिल व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा आपके पास, आप बिल चेक कर लीजिए कितने कपड़े दिए आपने, किस कपड़े के क्या रेट्स लगे, सब कुछ आपको क्लियरली पहुँच जाएगा, उसके बाद आपके कपड़े घर पर ड्यू डेट पर पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बोली कि अब मिनिमम 500 का ऑर्डर देके 500 रुपए का तो कुछ भी ऑर्डर नहीं होता, 500 रुपए यार नॉर्मल भी कोई भी करता है, 800 1000 इतना तो पहुंच ही जाता है, आपको 500 रुपए में ये 10 किलोमीटर्स, अगर आप विद इन 10 किलोमीटर्स के अंडर रेडियस में कहीं पे भी रहते हैं, आपका फ्री पिकअप ड्रॉप हो जाएगा भाई साहब, आपको उतने रुपए में कोई आपको एक्स्ट्रा आने लाने ले जाने का सामान का कोई खर्चा ही नहीं देना, सब खर्चा भैया उठाएंगे, आपको खाली वही चार्ज लगेगा जो आपका ड्राई क्लीन का होगा। 10 किलोमीटर्स के अंदर आप कहीं पे भी है फोन घुमाइए, नंबर आपको मैं अभी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फोन घुमाइए और फटाफट से अपने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दीजिए, अभी ठंड खत्म हो रही है, अब आप क्या करोगे, कपड़ों को रखोगे ना ड्राई क्लीन करके, तो फटाफट से आप भैया को कांटेक्ट करो, नंबर है वॉश क्लब का, आप उसको फटाफट से रिंग करो, 10 किलोमीटर्स के अंडर में फ्री यार फ्री, कोई लाने की झंझट नहीं, कोई ले जाने की झंझट नहीं, होम फ्री पिकअप ड्रॉप, आपको सब कुछ मिल रहा है, जैसे ही आपका माल रेडी हो जाएगा, प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, व्हाट्सएप पे पॉपअप निकलेगा जी कलेक्ट कर लो, या फ्री होम डिलीवरी वापस आपके पास आ जाएगा, समझे आप, तो टाइम वेस्ट मत करो, मैंने तो देख लिया, देखो वॉश हो रहा है, देखो आप एक बार दिखाएं यहाँ पे लहंगा वॉश हो रहा है, देखिए देखिए लहंगा वॉश हो रहा है, और यहाँ पे ये भी वॉश ही हो रहा है मेरे ख्याल से, स्पिनिंग चल रही है, ओके फाइन स्पिनिंग चल रही है, वॉश हो रहा है, फिर ऊपर सेम फिर वही ड्राई क्लीन होगा, फिर यहाँ ड्राई होगा, दोनों में ड्राई होगा, देखेंगे अगर उसमें कोई स्पॉट्स या स्टेन्स हैं रिमूव होगा नहीं होगा, तो फिर सीधा प्रेसिंग में जाएगा, प्रेसिंग के बाद आता है पैकिंग, पैकिंग वैक्यूम पैकिंग होगी, उसके बाद फिर टैग लगा के रेडी कर देंगे, और फिर उसके बाद कस्टमर के पास पहुंच जाएगा व्हाट्सअप पॉपअप व्हाट्सअप। तो यहाँ पे आइए, मैं इनको वापस थैंक्स बोलता हूँ, बहुत बहुत थैंक्स, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और बहुत अच्छा लगा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ड्राई क्लीन का इतना प्रोसेस लंबा प्रोसेस होता है और इतना नीट एंड क्लीन प्रोसेस होता है, तो ये इतना यूनिक मैंने देखा आपका ड्राई क्लीन प्रोसेस, तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो होप आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, फटाफट से ऑर्डर कर दीजिए यार, इतना साफ सुथरा है, इतना क्लीन लोकेशन है। तो चलिए मैं आपको और भी स्टाफ से मिला देता हूँ, जो भैया कई बार काम से बाहर रहते हैं, ऑनर है, इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर नहीं होते उसके अलावा यहाँ पे आपको कौन कौन सा स्टाफ मिल सकता है, एक बार मैं आपको उनसे भी मिला देता हूँ। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू, आइए। आप कौन हो भाई, आपका नाम? गोपाल है सर। गोपाल, आप यहीं पे मिलोगे? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, तो गोपाल हैं, ये हमारे गोपाल भैया हैं, बहुत ही नेचर बहुत ही इनका अच्छा है, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, तो कभी भैया नहीं होते तो ये गोपाल हैं हमारे, ठीक है। बाकी काम कब से कर रहे हो आप? सर मेरे को 20 साल हो गए काम कर रहे हैं। 20 साल हो गए, तो गोपाल भैया को काफी एक्सपीरियंस है, 20 साल कम नहीं होते, 20 साल बहुत होते हैं, तो आपको एक गोपाल भैया मिलेंगे। चलो अब हम आगे देखते हैं, आगे एक और स्टाफ है, वो छुप रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारे पास नहीं आएंगे, हम उनके पास भी जाएंगे, आइए। तो ये हमारे भैया हैं, दूसरे क्या नाम है भैया आपका? तरुण सर। क्या नाम है? तरुण सर। तरुण, तुम भैया का नाम तरुण है, तो कभी भैया नहीं होते तो तरुण, और गोपाल आपने नाम बताया था, गोपाल, ये तरुण भैया हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है? 6 साल हो गए सर। 6 साल हो गए, तो तरुण भैया को भी 6 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। तो देखिए प्रॉपर कितने नीट एंड क्लीन साफ सुथरे से हैं, इन्होंने टी शर्ट पहनी है वॉश क्लब की, देखो लोगों की पहनी हुई है, उन भैया ने भी टी शर्ट पहनी हुई है, तो प्रॉपरली बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल साफ सुथरा सब कुछ पहना हुआ है, पूरा साफ सुथरा एनवायरनमेंट है। तो चलिए आगे एक बार ऑन इनसे मिल लेते हैं, ये हमारे शिव भैया हैं, इनसे तो मिले ही हैं अभी, तो शिव भैया हैं, ये आपको हमेशा रिसेप्शन पे मिलेंगे। आपको कितना टाइम हो गया एक्सपीरियंस? सर मेरे को मिनिमम 2 इयर्स हो गए हैं। 2 इयर्स हो गया अभी शिव भैया को, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, बहुत ही आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको ट्रीट किया जाएगा, तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, फ्रंट डेस्क पे आपको शिव भैया मिलेंगे, और आपको इनसे मैंने मिला ही दिया है ऑनर से। तो आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मैं वॉश क्लब में हूँ, तो इसमें हमारे पास कुछ एक पैकेजेस हैं जो भैया ने मुझे बोला, अरे ये तो बताना भूल गए, तो मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूँ। तो ये पैकेजेस हैं, ये हमारे शिव भैया हैं, ये अब आपको ये सर्विस पैकेजेस के बारे में बताएंगे। इसमें तीन पैकेज हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, बाकी आगे एक्सप्लेन इसको डिटेल में भैया बताएंगे। शिव भैया, अब बताएं भैया। सर, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, कईयों के डेली यूज़ के कपड़े होते हैं हमारे यहाँ, किसी को मतलब डेली डेली पेमेंट का रहता है, तो वो हमारे यहाँ पैकेज सर्विस ले सकते हैं। पैकेज सर्विस में हमारे सर यहाँ सिल्वर पैकेज है, 5,000 का ये पैकेज होता है, इसमें 6,000 रुपये तक की आपको सर्विस मिलती है हमारे यहाँ से। इसमें वैलिड 5,000 दो और 6,000 की सर्विसेज मिलो, मतलब 1,000 रुपीज़ आप लोगों की तरफ से तोहफा। अरे, इसमें सर वैलिडिटी रहती है हमारे यहाँ 45 डेज के लिए, इस पैकेज में वैलिडिटी रहती है। फिर इससे बड़ा भी पैकेज, मतलब आप 45 डेज के अंदर आप यूज कर सकते हैं इसको। 5,000 पे करते हैं आपको, 1,000 रुपीज का एक्स्ट्रा आप लोग की तरफ से मिलेगा, विच वी यू कैन यूज इट अंडर 45 डेज, राइट। नेक्स्ट पैकेज सर गोल्ड पैकेज आ जाता है, इसमें ये 10,000 का पैकेज है, इसमें आप 12,500 तक की हमसे सर्विस ले सकते हैं। फिर इसमें भी वैलिडिटी बढ़ जाती है, जैसे जैसे पैकेजेस बढ़ते हैं उसके हिसाब से उनकी वैलिडिटी भी बढ़ जाती है। तो ये बहुत बढ़िया है, अगर आप जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में जो नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो एक दो के नहीं, वहाँ पे 5-6 जनों 7-8 जनों के कपड़े निकल जाते हैं। तो अगर आप यही कोई आप ड्राई क्लीन शॉप में देते हैं तो आपको एक एक करके वो बहुत ज़्यादा चार्ज लेता है। अब इन्होंने गोल्ड पैकेज दिया है, तो गोल्ड पैकेज में क्या है, आप 10,000 रुपये दीजिए, ठीक है, आपके 8-9 बंदों के 10,000 कपड़े आराम से हो जाते हैं ड्राई क्लीन के, 10,000 दीजिए, लेकिन ये आपको सर्विसेज देंगे 12,500, आपको 2,500 का एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, 2,500 का आप एक्स्ट्रा और भी कुछ करवा सकते हो ड्राई क्लीन, तो आपको 10,000 पे 12,500 की सर्विसेज मिलेंगी, और जो वैलिड है 120 डेज, मतलब 120 डेज, एक महीने में 30 दिन, 3 महीने, 4 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने के आसपास, आप 4 महीने, यार 4 महीने में आप आराम से थोड़े थोड़े पैकेजेस स्लॉट्स में बना के देते रहो, आप आराम से यूज करो, 10,000 दोगे, 2,500 का आपको बेनिफिट। और नेक्स्ट है प्लेटिनम, प्लेटिनम के बारे में बताइए। प्लेटिनम सर ये पूरे साल का पैकेज रहता है, इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कि 20,000 का ये पैकेज है, इसमें आपको 26,000 रुपये तक की सर्विस मिलती है हमारे यहाँ से। तो ये बहुत, सबसे मेरे हिसाब से तो सबसे बेटर है प्लेटिनम, क्योंकि इसमें आप देखिए 20,000 आप देते हैं साल भर का, साल भर में 20,000 कुछ भी नहीं होते गाइस, तो 20,000 आप देते हैं जो 365 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो साल भर आप उसको यूज करो, वैलिडिटी आपकी 365 डेज की है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, और आप 20,000 दोगे, आपको सर्विसेज कितने की मिलेंगी, 26,000 की, 6,000 एक्स्ट्रा, तो आप सोचिए कितना बेनिफिट है यार आपको 6,000, अगर मेरे 6,000 बचते हैं मैं तो यहीं पे दूंगा, मैं तो अभी भैया से बात भी कर लिए, मैं तो अपने कपड़े ला रहा हूँ, मैं तो एक साल का पैकेज ले रहा हूँ, एक साल तक आराम से कोई झंझट नहीं है, कोई भी कपड़े लाऊंगा यहाँ पे ड्राई क्लीन करवाऊंगा मस्त एकदम टेंशन फ्री, मुझे पता है 20,000 दूंगा 26,000 की मुझे सर्विसेज मिलेंगी, तो ऐसा मौका आप क्यों गंवा रहे हो, आप अपने घर में बस इधर उधर लोकल जो है ड्राई क्लीनर्स उन्हीं को फोन करते रह जाओगे, दुनिया बदल रही है, दुनिया चेंज हो रही है, आगे जा रही है, तो आप कब बदलोगे, ऐसे घर में मुंह उठा के बैठे रहोगे, तो फटाफट से आइए वॉश क्लब में, द वॉश क्लब जो कि अपोजिट सिटी मॉल है, फटाफट से आप आइए विदाउट टाइम वेस्ट करे बगैर, और जल्दी से यहाँ पे सर्विसेज का आनंद उठाइए, और होप आप यहाँ की सर्विसेज एक बार लेंगे तो आप यहाँ पे बार बार आते रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो टिल देन आप वीडियो एंजॉय कीजिए, और ऐसे ही आप हंसते खेलते वीडियो देखते रहिए, आगे भी मेरी और भी वीडियोज आएंगी, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।